So, Sermon 13 is about the people of Basra, and Imam says consequences of betrayal, importance of community, integrity, role of leadership, accountability, or steadfastness in the faith की बात हुई है. पांच चीजें आई है. हम पांचों चीजों को ले के देखते हैं क्या कंटेक्स्ट बनता है. लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन. और थोड़ा सा इसमें शेयर करेंगे कि हमें क्या समझ आता है. बिकॉज Raise your hands, turn on the video cameras, okay? थोड़ा सा मैं देख लूँ, more people are joining in. Enable the meeting room, okay? So meeting room enabled है, everybody can join. पांच points हैं sermon number 13 में, which is more likely. On the screen. सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू रेज योर हैंड्स? ठीक है. डिसलॉयल्टी एंड बिट्रेयल कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्मोइल एज सीन इन द अनरेस्ट बसरा दैट स्केलेटेड. तो अनकंसिक्वेंस बिट्रेयल की बात हो रही है कि जब कोई भी आदमी डिसलॉयल्टी या बिट्रेयल शो करता है तो कैसा रहता है, इस बारे में कौन बोलेगा? बिट्रेल और डिसलॉयल्टी का मतलब है कि लॉयल कौन होता है? वो जो आपके बहुत करीब का आदमी हो, जिसको आपने या तो बड़ा किया हो, ग्रो किया हो, या जिस पे आपने अपने रिसोर्सेज लगाए हो, टाइम लगाए हो. आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, इट कुड बी योर सन, योर डॉटर, इट कुड बी योर हस्बैंड, योर वाइफ. तो ये तो वो रिश्ते हो गए जो खुदा बना के बेचता है. लेकिन बहुत सारे रिश्ते दुनिया में बनते हैं जिसमें आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका एम्प्लॉई हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, एनीवन, यू नो, जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है बट आपसे दोस्ती हो गई और आप बहुत दफा उनके लिए कर जाते हो एक्स्ट्रा. एम आई राइट? येस और नो? कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं? तो जब हम लोग उनके साथ कुछ कर जाते हैं, हमारी एफिलिएशन बन जाती है और वो फिर हमें रिटर्न नहीं कर पाते वो एफिलिएशन, उसकी दो वजूहत हो सकती है. या तो आर एक्सपेक्टेशंस वर टू हाई फ्रॉम देम, कि हम कुछ ज़्यादा ही सोचते थे कि ओ हमने किया है. और एक दफ़ा इमाम ये भी कहते हैं कि आपको कैलिब्रेट करना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही ज़रूरत से, राइट? इसलिए आज के ज़माने में बुक्स क्या कहती हैं, गिव मोर एक्सपेक्ट लेस. ये सबने सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहा है, राइट? तो लोग कहते हैं खुश रहने के लिए गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस. हमारा क्या होता है, हम गिव लेस करते हैं बट कहते हैं यार एक्सपेक्ट मोर होना चाहिए. हम किसी के लिए $100 का काम करें तो सामने वाले को $1000 का काम करना चाहिए. हमने किसी के घर खाना भिजवाया तो उसने दो दफ़ा क्यों नहीं भिजवाया या कम क्यों भिजवाया, यू नो, हम कंपेयर करते हैं. सो वी डोंट डू इवन गुड एक्ट्स विदाउट द कॉज. हम कहते हैं यार सामने से भी रिटर्न आएगा तो मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा, चाहे वो स्माइल करना हो, चाहे किसी से शेयर करना हो, चाहे किसी को खाना खिलाना हो, नॉलेज देना हो. लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट. कितनी ये बात सही है गुलशन लाल जी? मौलाना है, दाढ़ी वाला है, नो मेरे मुझे देखता है जब मैं यूएस से गया था तो बोलते हैं यू आर अ क्लीन शेव मैन, तुम किसी को बोलोगे भी अच्छा काम कर रहा हूँ, पीपल विल अप्रिशिएट यू. मैं तो मौलाना हूँ, लोग वैसे ही भाग जाते हैं डर के, राइट, मुसलमान से, और फिर मौलाना से और भाग जाते हैं. मैंने बोला नहीं मौलाना साहब, मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज. फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई एंड ही सेड के पाकिस्तान में रोज़ शायद 10 से 12 करोड़ रुपए का खाना रोज़ खिलाता है फ्री में. रोज़ 10 से 12 करोड़ का मतलब है $3 से 4 लाख का खाना रोज़ खिलाता है, ठीक है? इसके अलावा दे गॉट एम्बुलेंसेज, आज शायद एडी से, एडी का किसी ने रिव्यू किया था, राइट, एडी से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हो गई है, फ्री रेफ्रिजरेटर्स लगा दिए हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं. मैंने उसको पूछा कि यार ये कैसे कर रहे हो, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहे हो और कोई सैलरी ले रहे हो? बोला नहीं सैलरी नहीं ले रहा, जो अपना छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स है उससे मेरा गुजारा हो रहा है, मतलब आई एम हैप्पी है, मैं एक मिशन पे लग गया हूँ. मैंने बोला यार कैसे लग गए, मतलब पॉलिटिक्स में खड़ा होना है आगे जाके? बोला नहीं होना होता तो पहले हो जाता, मतलब आर्मी शार्मी सब मेजर जानते हैं, जनरल जानते हैं. तो मैं बोला है क्या, मतलब एक होता है ना इतना बड़ा काम करने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, क्या रीज़न है बॉटम ऑफ हार्ट में, अगर आप बुरा नहीं मानो पूछो. तो बोलता है यार बहुत दफ़ा आया कि अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हर छोटे इंसान से बड़े इंसान में ख्वाहिश होती है. कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स, ठीक है? लेकिन उसने बोला जब अच्छा काम करना शुरू किया ना तो समझ आया कि यार लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है,
कि मैं जब अच्छा काम करूं तो सामने वाला मेरे साथ भी करे, वरना मैं नहीं करूंगा आगे से अच्छा काम। यस और नो, बहुत ऑनेस्टली जवाब देना। तो अच्छा काम हर एक करना चाहता है, बट सामने से मुआवजा चाहता है, और जब वो उसको रिटर्न नहीं मिलता तो वो अच्छा काम करना छोड़ देता है। तो उसने मुझे समझाई एक बात कि एक अच्छे आदमी में और बुरे आदमी में ये फर्क नहीं है कि बुरा आदमी भी अच्छे काम नहीं करता, बुरा आदमी भी अच्छे काम करता है, बट वो किसी मकसद के लिए करता है कि मुझे सामने से कोई इज अ रिच मैन, मैं उससे अच्छा स्माइल करके बात करूंगा, मैं उसके फेसबुक कमेंट पे अच्छे इमोजीज बना के उसको भेज दे, विशेष शायद मुझे जॉब दे दे, शायद मुझे लोन दे दे, शायद मेरी कहीं सिफारिश कर दे। मतलब आई एक्सपेक्ट वो जो आदमी है जिसके आप फेसबुक कमेंट पे जस्ट बिकॉज ही गॉट ए स्टैचर इन द सोसाइटी आप वो कर रहे हो, उसको पता भी नहीं है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बट ये आपने किसी को विश किया कोई एक्सपेक्टेशन के साथ, और एक विश आप किसी ऐसे आदमी को दुनिया में करो जो कोई भी स्टैचर नहीं रखता, राइट? उसको कोई भी नहीं पूछता दुनिया में, आप जाके उसको पूछ रहे हो। तो क्या लगता है वो आदमी जो किसी ऐसे आदमी के लिए काम करे जिससे दुनिया में कोई नहीं पूछता, उसके घर के लोग भी नहीं पूछते, दोनों की नियत में क्या फर्क है? हम नियत पे आ जाते हैं, हमने एक बात की थी ना, खुदा क्या देखता है, होता है यस और नो? और कभी कभार जो है वो क्या कहते हैं, जब आप बहुत अच्छा भी कर रहे होते हो तो लोग आपको डिसोन कर देते हैं कि नहीं यार ठीक है ये हमारे हिसाब से नहीं है, तो लोग रिजल्ट्स देखते हैं। वो मुन्ना भाई का बड़ा अच्छा डायलॉग है, कल मैं उसको पढ़ा, तो मुन्ना भाई के साथ जो सर्किट होता है वो कहता है जेब में छेद क्या हो गए, सिक्कों से पहले रिश्ते गिर गए, राइट? तो ही वॉज अ कॉमेडियन, लेकिन सही बात बोली, यस और नो, राइट? कल तुम हो जाओ, तुम्हें $1 मिलियन लॉटरी लग गया, देखो तुम्हें थरपारकर से भी ढूंढ के तुम्हारा रिश्तेदार फोन करेगा, अरे प्रवीण लखानी क्या हाल है, किधर गए वो, बुलाती नहीं हो, यू नो यू बिग मैन, यू नो यू, तुम बोलो जॉब चली गई मेरी यार, तो तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, यू नो द स्टेडफास्ट फ्रेंड वुड ऑल्सो से नहीं नहीं बाप रे ये तो जॉब नहीं मांग ले गई मुझसे, राइट? यस और नो? तो लोगों को लगेगा ना कि आपको उनकी जरूरत है तो लोग रिपेल होंगे, राइट? नेगेटिव चार्जिंग हो जाएगी लोगों में, और लोगों को लगेगा ना आप उनके लिए कुछ कर सकते हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इस एक प्रिंसिपल को पकड़ने लगना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सक्सेसफुल का, ठीक है? ये इमाम अली समझा सकते हैं और क्यों नहीं समझा। हमने बहुत सारी चीजें देखी दुनिया में, अट्रैक्ट करना है लोगों को, फेमस होना है, सक्सेसफुल होना है, बहुत सारी बात है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एक लाइन में अगर समझाया ना तो इमाम अली से ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ने कहा लोगों को दूर भगाना है, मांगना शुरू कर दो, लोगों को अपनी हाजत बताना शुरू कर दो, नीड्स बताना शुरू कर दो, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दो, लोग उल्टे पैर भागेंगे, पैसा चाहिए पैसे के पीछे भागना शुरू कर दो, पैसा उल्टे पैर भागेगा, यस और नो? कितने, अब आप सब सीनियर हो, आप सब ये चीजें विटनेस कर चुके होगे लाइफ में, यस और नो? रेज योर हैंड बहुत ऑनेस्टली। अच्छा, सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो पैसे के पीछे भागते हैं या पैसा उनके पीछे भागता है? नबत वल्यानी द ग्रेट, अनम्यूट करो और बताओ, ज्ञान दो। यस, भाई पैसा पैसा भागता है, पैसे इसके पैसा इसके पीछे भागता है। क्यों भागता है, सोच में क्या फर्क है एक आदमी की जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता है, थक जाता है, बीमार हो जाता है, गिर जाता है, 40 की एज में हार्ट अटैक हो जाता है, होता है ना आजकल, 35 की एज में हो रहा है, यस और नो? होता कोई नई बात तो होता नहीं कर रहे, राइट? हाँ और एक 80 का आदमी है जो यश भी चला रहा है, आइलैंड भी है, हर 6 महीने में वेकेशन भी जा रहा है, पैसा उड़ा रहा है दो दो हाथ से, पैसा उसके पीछे भाग रहा है, दूसरी तरफ आदमी बच है कि मतलब खुदा का लॉ है ना, लॉ तो चेंज होता ही नहीं ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, राइट? सबके लिए वही है, फिरौन को भी बोलता है कि बंद करा दे उसका जाके किचन जहाँ वो खाना खिलाता है फ्री में, तो उसको डुबाऊंगा वरना मैं भी नहीं डुबा सकता, खुदा बोलता है, खुदा के लिए क्या मुश्किल है, लेकिन खुदा बोलता है मैं अपना लॉ नहीं तोड़ता। तो एक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू नियर, ये बात समझ आ गई? अच्छा, हम लोग का ना बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा सबका बिगड़ा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑरसेल्फ एवरीबॉडी, क्योंकि हमें दुनिया ने ट्रेन इस तरह किया बचपन से कि ग्रेड आएंगे तो तुम सक्सेसफुल हो, ग्रेड नहीं आओगे तो तुम डम्ब हो, येस और नो?
पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, मैथमेटिशा मैथमैग्नीशियंस, जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं, जितने भी एप्टीट्यूड सेंटर्स हैं, जितने भी हैं, मतलब लोगों को फेल ना हो जाए कहीं आपके बच्चे, इस वजह से चीजें बेच रहे हैं, फियर बेच रहे हैं, येस और नो? इसे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं, आमिर खान ने थ्री इडियट्स बनाई, बहुत फेमस हुई, रॉकेट सिंह बनी, इंग्लिश मूवीज बनी, विल्सन चर्चिल की, बहुत सारी। तो दुनिया डराती है कि यार दुनिया तुम्हें जज करेगी भाई रिजल्ट से, ठीक है? तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुमसे भागे तो तुम्हारा रिजल्ट फेल होना चाहिए, चाहते हो दुनिया तुम्हारे पास आए तो खुदा कुछ और बोलता है, खुदा बोलता है तुम्हारा कंपस ही गलत है, तुम नॉर्थ को साउथ समझ रहे हो, साउथ को नॉर्थ समझ रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि नियत पे देखो। अच्छा, अब खुदा की बात जो मानता है ना वो दुनिया में सक्सेसफुल है। छोटी सी एग्जाम्पल, शाहरुख खान। शाहरुख खान आज दुबई का, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है? दुबई का ब्रांड एम्बेसडर टॉम क्रूज भी हो सकता था, दुबई का ब्रांड शेख के पास पैसा है, दुनिया का बुर्ज मतलब इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी, चार तरह के तो रोबोट्स लॉन्च किए हैं अभी उसने पिछले हफ्ते, राइट? तो दुनिया में सारी नई चीजें लाता है, जो यूएस में भी नहीं है वो भी दुबई में, तो दे हैव टन्स ऑफ मनी। वो शाहरुख खान को लेकर आया है एम्बेसडर, तो शाहरुख खान से पूछा यहाँ पे कि तुम इतना फेमस कैसे बने, राइट? मतलब ही इज अर्निंग के हिसाब से वो हॉलीवुड के स्टार से भी ज्यादा पैसे बनाता है बॉलीवुड में बैठ के। तो शाहरुख खान ने बोला कि यार बिल्कुल सही बात है, आई डिड नॉट बिलोंग टू कपूर्स एंड एक्स वाई जेड इन एबीसी, जस्ट तो मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम तो जाया हो जाओगे, तुम्हें तो लोग खा जाएंगे, तुम्हें तो आने ही नहीं देंगे, तुम तो मतलब अपने साथ कोई नाम लगा लो किसी का, राइट? तो तुम्हें थोड़ी बहुत फिल्में मिल जाएगी, तुम तो दिखते भी इतने अच्छे नहीं हो। तो बोलते हैं यार मुझे एक बात मेरे फादर ने सिखाई थी, जो शायद बहुत सक्सेसफुल दुनियावी तौर पे नहीं थे, बट आज उनके प्रिंसिपल्स पे अमल करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। तो मैंने हमेशा जो है ना रिजल्ट्स को तरजीह नहीं दी, मैंने एक्शंस को तरजीह दी। शाहरुख खान कहते हैं कि मैं कॉम्पीट दुनिया से नहीं करता था, जहाँ लोग दूसरे हीरो से कंपेयर करते थे, मतलब ओपनली उसकी स्पीच है सुन लेना जाके, उसको आज पीएचडी का डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला है कोई यूनिवर्सिटी से, शाहरुख खान को अपनी फील्ड में एक्सेलेंस पे। तो मकसद है किसी भी फील्ड का जीनियस उठा लो, फिजिक्स का आइंस्टाइन उठा लो कि बॉलीवुड तुम सबको आप सबको पता है शाहरुख खान उठा लो, कि विंस्टन चर्चिल उठा लो, कोई भी पावर, हिटलर उठा लो, ठीक है? पॉलिटिक्स के जमाने में वो तुम्हें नजर आएगा उसकी रूट्स में जाके कि वो एक्शन को तरजीह देता था। हम जो छोटे लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, जो नॉर्मली थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं दुनिया से, वो रिजल्ट्स को तरजीह देते हैं कि दुनिया क्या देखेगी, दुनिया क्या बोलेगी, मुझे इससे क्या मिलेगा। वो ये नहीं देखते कि मुझे इससे क्या मिलेगा, वो ये देखते हैं कि मैं क्या दे दूंगा सामने वाले को, राइट? जो दुनिया का फेमस कॉमेडियन गया, उसको किसी ने पूछा तुम दुनिया में बहुत कॉमेडियंस हैं, तुम इतने फेमस क्यों हो, वो ये बोलता है कि मैं ये नहीं देखता इस फिल्म से कितने पैसे मिलेंगे, मैं ये देखता हूँ इसको देख के लोग हंसेंगे कितना, क्योंकि आज दुनिया में बहुत गम है, बहुत परेशानी है। सेम गोज विद कपिल शर्मा। तो हमेशा देखना हर जगह पे फील्ड में, अगर एक आदमी अपने एक्शंस को पकड़ के चलता है ना कि मेरे करने से क्या हो रहा है, तो वो कामयाब है, क्योंकि खुदा का उसूल अपना रहे ना, चाहे मुस्लिम हो के नॉन मुस्लिम। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि इस उसूल को हम लोग, मैंने भी चार एग्जाम्पल दी, फ्रॉम शाहरुख खान टू आइंस्टाइन टू एवरीबडी। आइंस्टाइन क्यों काम करता था, इतना अमीर आदमी हो गया था, वॉरेन बुफेट आज 80 साल का हो गया, बिल गेट्स 80 का हो गया, पीढ़ियों तक पैसा चलेगा, क्यों काम करते हैं? वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि यार दुनिया को, बिल गेट्स बोलता है अफ्रीका से पोलियो हटा दूं, वॉरेन बफेट बोलता है गरीब बच्चों को और पढ़ा दूं, जिसको जो ऊपर वाले ने समझा दिया, बट अपने मिशन पे लगे हैं। आपको क्या लगता है इस एक उसूल को हम एज अ परवीन लखानी, अशरफ रतानी, शरीफा ख्वाजा, नवत कल्याणी, प्रीत प्रमानी, हम किस तरह चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिकली? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ नाउ के सीधे आपने क्या दिया है, तब खुदा तुम्हें अप्रिशिएट करता है, येस और नो, राइट? तो दुनिया में जो लोग आज अच्छा भी काम कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट की वजह से कर रहे हैं। शायद खुदा को वो काम पसंद हो, लेकिन शायद इतना ना हो, लेकिन वो लोग जो रिजल्ट की नियत से ना काम करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना चैरिटी करते हैं,
मतलब हमारी बात का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि तुम कल को सूफी बन जाओ, साधु बन जाओ, अच्छा काम। तुम दुनियादार हो, दुनियादार रहो, ठीक है। मेक मनी इन द वर्ल्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट है। मैं कभी नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। डू वी ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? हम जो बात कर रहे हैं बेहतर होने की बात कर रहे हैं। सो एक्शन, अपनी जो टॉर्च लाइट है जिंदगी की, उसको रिजल्ट से हटा के एक्शन पे ले आओ, और उसमें शायद एक सोच बदल जाएगी ना, छोटी सी प्रोग्रामिंग बदल जाएगी, तो पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। तो कल से जब भी कुछ काम करना, ये नहीं सोचना कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा कि फेल होऊंगा, ये देखना कि मैं देने वाला हाथ हूं कि लेने वाला हाथ हूं। तो खुदा ने एक और जगह कुरान में क्या बोला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से 1000 गुना बेहतर है। तो तुम मांगने वाला हाथ हो या तुम नंबर वन हो दे रहा है हाथ, या तुम नंबर टू हो ले रहा है हाथ, ठीक है ना। ये सिर्फ पैसे नहीं हो सकते, ये इल्म हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, ये खुशी हो सकती है। दो लोग एक दूसरे के सामने से गए, एक मुंह बिगाड़ के जा रहा है, दूसरा सामने से बुला रहा है, कोई काम नहीं है, बस ऐसे बुला रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा किसी के सामने स्माइल करना भी सदका है, चैरिटी है। आज साइंस ये कहता है कि जब तुम किसी के सामने स्माइल करते हो तो तुम्हारा ऑरा पावरफुल होता है, तो तुम यार सेल्फिश हो के स्माइल कर लो ना किसी के सामने, राइट? इस बात से सब अग्री करते हैं, द पीपल हु लाफ वर्ल्ड लाफ्स विद देम, द पीपल हु क्राई दे क्राई अलोन। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, येस और नो? राइट। तो देने वाला हाथ कौन है, जो खुशियां बांट रहा है। खुशी बांटने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भी खुश हो, दो बातों में फर्क है, राइट? तो अगर आप रिजल्ट फोकस हो तो आप बोलोगे मैं खुशी तभी बांटूंगा जब मैं बहुत खुश हूं, या जब मैं एक्स वाई जी पैसे बना लूं, या जब मैं ये हासिल कर लूं, यस और नो? लेकिन जब आप बोलो यार मैं खुशी इसलिए बांटूंगा क्योंकि मुझे देने वाला हाथ बनना, तो ये पिक्चर के मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है नहीं आती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऑल दीज एक्स वाई जी रीजन खत्म ही हो गए ना, खल्लास, गेम ओवर, यस और नो? क्यों? क्योंकि तुमने माइंड में ट्यूनिंग ही चेंज कर दी, तुमने रिजल्ट से हट के एक्शन ओरिएंट बन गया। कल से तुम एक्शन ओरिएंटेड हो, तुमने हर चीज में ढूंढना शुरू कर दिया, अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, मैं देने वाला हाथ हूँ लेने वाला हाथ हूँ, तो इसका मतलब है यार सबने पकाया मैंने खाया, तो इसका मतलब है कल को मुझे भी लोगों के लिए पकाना चाहिए। गुड, स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट एंड मेक समथिंग, पीपल विल बी हैप्पी, देने वाला हाथ बन गया, राइट? कभी बाहर से ऑर्डर कर दिया ऊबर इट किसी के लिए, सबके लिए, राइट? कुछ और हो गया, राइट? कभी जाके ऐसे लोगों को खाना खिला दिया जो शायद अच्छा नहीं खाना खा सकते, कोई ऑर्फनेज चले गए, $10, $50, $100 लगा दिए, राइट? कभी किसी अफगानी चित्राली या जो भी है नई फैमिली जिसको तुम्हें पता है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटा सा $10 का डोनट्स का बॉक्स लेके दे दिया, राइट? यू आर पासिंग बाय, कोई नेबर है, बिल क्रिस में रहता है, स्टैंड क्लिफ में रहता है, कोई भी है, तुम ले गए गिफ्ट, क्या हुआ, देने वाला हाथ बन गए। तो $1 से $10 में भी देने वाला हाथ बना जा सकता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, रोज ही पैसे हैं, उसको शायद आपके $10 का डोनट का बॉक्स वैल्यू ना दे, वर्सेस वो आदमी जिसके पास शायद लेने के पैसे नहीं है, बट वो आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, मे बी वो अकेला बैठा हुआ है, उसके पास बात करने को कोई नहीं है। सो वो कहते हैं ना, जिसका काम उसको साज है, सो वन साइड फिट ऑल नहीं होता, राइट? आप एक को लेते हो ना, प्लास लेते हो, राइट, स्क्रू ड्राइवर लेते हो, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, बड़े वाले को छोटे में लगाओगे तो नहीं घूमेगा, नट क्रॉस नहीं होगा, राइट? उसको राइट साइड, तो आपको देखना है कि सामने वाले को चाहिए क्या, कोई पैसे से खुश हो रहा है पैसे दे दो, कोई ज्ञान से खुश हो रहा है ज्ञान दे दो, कोई स्माइल से खुश हो रहा है स्माइल दे दो, कोई बीमार है, बहुत टायर्ड है जिंदगी में, सीनियर है, अकेले बैठा हुआ है, जाके ऐसे करके थोड़ा कंधा दबा दो, यू नो, आपके लिए वो ब्लेसिंग हो गया, यू नेवर नो, ठीक है? आपको बोलने लगा, मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन बात क्या है, ये बनना पड़ेगा, देने वाला बनना पड़ेगा। जब प्लस की तरफ जाओगे ना कि यार मैं कितना दे रहा हूँ दुनिया को, तो दुनिया आपके पीछे, नेचर आपके पीछे, यूनिवर्स आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप बोलो मैं क्या ले लूं लोगों से, मैं क्या खा लूं लोगों का, मैंने 1 रुपया दिया 10 रुपया ले लूं, ओ तो यू विल बी द कंजूस मोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया भागना शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज भागना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा देखना कि वो लोग जो कंजूस होते हैं कभी भी प्रॉस्पर नहीं करते,
वो लोग जो बहुत ज्यादा बचाते हैं, कोशिश करते हैं। सेविंग करना और कंजूस होना दो अलग बात है, येस और नो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? आज जो हमारा टॉपिक नहीं है, बट मलिक मिठा, सेविंग और कंजूसी को कैसे फर्क को बताओगे? इमाम भी सेविंग करने को बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी पेट भर के नहीं खाया। अपने खुदा को बोलना कि एक साथ दे दे, एक दिन तो पेट भर के खाऊं। तो मूसा सलाम ने बोला कि खुदा को, तो उसने बोला कि यार खुदा ने कहा 12 दिन खाना चलेगा या 10 दिन पेट भर के मिलेगा, फिर जिंदगी का खाना खत्म हो जाएगा, तेरा इतना ही रिस्क लिखा है। उसने बोला दे दे, डन, शिकायत नहीं करूंगा। तो मूसा सलाम 1-2-3 महीने बाद वहां से गुजरे, बोला ये तो बंदा मर चुका होगा, 12 दिन बाद तो खुदा ने बोला था खाना ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, मर गया होगा ना, 3 महीने हो गए, लाइनें लगी हुई है। तो बोला कि कौन है बंदा इतना अमीर कबीर आदमी, मतलब जिसके यहाँ लाइनें लगी हुई है, खैरात बट रही है, खाना खा रहे हैं लोग, दूर दूर गांव से आ रहे हैं। तो बोला ये वही आदमी है जिसके 12 दिन का खाने का आप बोल के गए थे। बोले अरे खुदा को बोलते हैं तूने मेरे को, बोलेंगे झूठ बोलता है आपका पैगंबर नबी, तूने ही तो बोला था 12 दिन का है, तो तू दस कैसे दे रहा है उसको बंदे को, मतलब तू अपना डिसीजन कैसे चेंज कर सकता है? खुदा को बोलता है नबी जाके चैलेंज करके, ये क्या किया तूने, मेरे को झूठ बोला था, मेरे को मरवा दिया तूने। बोला नहीं तेरे को नहीं मरवाया, सही 12 दिन का ही था, बट वो मेरे से भी बड़ा बनने की कोशिश किया, उसने 12 दिन के खाने में से भी सखावत शुरू कर दी। तो मैंने बोला तू मेरे से बड़ा सखी है क्या? तो मैंने बोला ये ले खजाने खोल दिए तेरे लिए, यू नो, जा खिला सबको, राइट? तो चाहे फिरौन हो, जो कि इस्लाम का हेटरेट मोस्ट आदमी था, सबसे ज्यादा तकलीफें दी पैगम्बर को, पैगम्बर रोते थे खुदा से जाके कि इतना जुल्म करता है लोगों पे और मेरे पे, तू इसको क्यों नहीं संभाल सकता? तो एक दिन खुदा ने सुन ली, बोला मैं संभालता हूँ, तू जाके इसकी सखावत बंद करा, वरना मैं नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरे लॉ से खेल रहा है। तो हमें ये बात समझ आई 2 या 3 एग्जाम्पल से कि सक्सेसफुल होना है ना तो खुदा के लॉ से खेलना शुरू कर दो, और खुदा का लॉ सिर्फ एक है, देने वाला हाथ बन जाओ, लास्ट खत्म बात। कल से सोचना शुरू कर दो, आपके सुबह से उठते हो ना 7 o'clock से और रात के 12 बजे तक के क्या क्या फंक्शन है आपके, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, टेक द शावर बाद, काम पे जाते हो, वॉक पे जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, फ्रेंड्स गर्ल फैमिली जेके जाते हो, देने वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ हो, कोई खिदमत करके आ रहे हो, देने वाला हाथ बन के आ रहे हो, नहीं लोग खिदमत कर रहे हैं, इर्द गिर्द आप खिदमत वसूल कर रहे हो, लोगों की वॉलंटियर्स भी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो लेने वाला हाथ बन गया ना, तो देने वाला हाथ क्यों नहीं हो, राइट? कहीं नीचे से कचरा उठा के जमात खाने से ट्रैश कैन में डाला, हाँ देने वाला हाथ बने ना, $2 का काम किया, राइट? कुछ भी, आपका जब दिमाग ट्रेन हो गया ना कि यार ये काम मैंने किया, मैंने दिया ज्यादा कि लिया ज्यादा, कैलकुलेट, हर चीज में कैलकुलेट, तो जब रात को सोगे ना तो बैलेंस शीट में डेबिट ज्यादा होगा और लोन्स कम होंगी। तो जिस दिन डिपॉजिट अकाउंट ज्यादा है, दूसरे दिन भी और डिपॉजिट अकाउंट बढ़ गया, तो जब वॉरेन बुफेट कहता है कि कंपाउंडिंग होती है, तो 1 साल 2 साल बाद आपका शक्ल ही बदल जाएगा, आपका बैंक बैलेंस ही बदल जाएगा, आपके रिश्ते ही बदल जाएंगे, आप वो रहोगे ही नहीं उस तरह के आदमी जो आप पहले थे। क्यों? एक हैबिट बदली आपने, हर जगह आपने देने वाला हाथ बनना शुरू कर दिया। कितने लोग इस बात से अग्री के, एक फंडा तो समझ आ गया कि खुदा की हैबिट्स अगर पकड़ना शुरू कर दी तो सक्सेस आपके पीछे भागेगा, आप सक्सेस के, ये बात कितने लोग अग्री करते हैं ऐसे करके हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स, ठीक है? तो हमने खुदा की हैबिट समझने की कोशिश की कि देने वाला हाथ बनना है, राइट? हर चीज में ये सिंपल है, एक लाइन का प्रिंसिपल है, याद रहेगा सबको, प्लस बनना है, माइनस नहीं बनना है। अब देख लो अपने इर्द गिर्द सुबह से लेकर रात तक के स्केड्यूल देख लो, और जब ध्यान रखोगे ना कि अभी मैं जो बैठा हुआ हूँ सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में रहो, कल की छोड़ दो सिकुन, आज की सोचो, राइट? अभी मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं प्लस हूँ मैं माइनस हूँ? बोलो नहीं यार मैं माइनस हूँ, लोग मेरी मदद कर रहे हैं, लोग मुझे सर्विस दे रहे हैं, लोग खाना बना के खिला रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं, यू नो, लोग सैलरी दे रहे हैं, छोटी सी एग्जाम्पल सक्सेसफुल होने की, ये सारी कॉर्पोरेट अमेरिका की बुक्स कहती है, कहते हैं इफ यू वांट टू, एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू इंक्रीज योर सैलरी, अपनी सैलरी या इनकम कैसे बढ़ाना, उसका पूरा निचोड़ एक लाइन में ये है कि तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है ना तुम उससे 4 गुना ज्यादा काम करना शुरू कर दो, तुम्हारी सैलरी 12 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? कि तुम्हारी सैलरी 100 रुपये, 400 रुपये करनी है,
तो तुम 1200 रुपए की जितनी सैलरी मिलती है ना उतना काम कर लो, तो तुम्हारी सैलरी 2400 रुपए हो जाएगी। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा? नहीं, खुदा देगा। कहीं ना कहीं से लाएगा, बिजनेस ले आएगा, रिस्क ले आएगा। इस बात पे कितने लोगों का ईमान है ये सुनो। और ये जो बंदा है ना, इसका HR में 57 ईयर्स का तजर्बा है। इसने 10,000 से ज्यादा लोगों पे का कैनेडा दुनिया भर में रिसर्च किया। इसने कहा जितने लोग तरक्की वाले हैं सब अपने जो पैसे मिलते हैं उसको हलाल करते हैं, उससे ज्यादा काम करते हैं। यस और नो? राइट। हो सकता है उसके नीचे जो बंदा बैठा हुआ हो, देखो मजदूर को तो लगता है ना सेठ कमरे में बैठा हुआ है, पत्थर तो मैं तोड़ रहा हूँ, 4 गुना काम और पैसे तो उसको मिल रहे हैं। राइट। तो मजदूर से ज्यादा या डोंकी से ज्यादा हार्ड काम कौन करता है दुनिया में? बट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क है। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? जो बॉस है, एम्प्लॉय को लगता है यार कंपनी तो मेरी वजह से चल रही है, बॉस क्या कर रहा है, वो तो आता भी लेट है। लेकिन जो काम बॉस कर रहा है, या जो 5 बजे कंपनी बंद हो गई, बॉस रात को 12 बजे तक भी बैठ के काम कर रहा है, वो बॉस को ही पता है, वो एम्प्लॉय को नहीं पता। यस और नो? इसीलिए वो बॉस है, इसलिए एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय छोटा सोचता है बॉस। तो यही बात आ गई ना, यही प्रिंसिपल आ गया कि सैलरी भी बढ़ानी है तो प्लस बन जाओ ना, देने वाले ज्यादा बन जाओ, जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा देना शुरू करो। यस और नो? राइट। आप चाहते हो आपके बच्चे आपको पसंद करें, लव करें, बच्चे जो आपके लिए कर रहे हैं उससे ज्यादा आप करो। राइट। नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप करो, कुछ नहीं होगा तो इसका बदला खुदा दे देगा। यस और नो? क्योंकि खुदा कहता है, इमाम अली कहते हैं एक जगह पे कि नाजुल बलागा में, कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे, इसको भी लिख लो, इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम यू फील कि मैंने ज्यादा किया लोगों के लिए और मुझे रिटर्न वहां से नहीं मिला, तो खुदा कहता है इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि मैं ऐसे लोग पैदा कर दूंगा जो वो रिटर्न का डबल और ट्रिपल आके तुम्हें देंगे। जरूरी नहीं है वो तुम्हारे, तो हम कहते हैं ना यार मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, उसने नहीं किया, जरूरी नहीं है। खुदा ने बोला कहीं और से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई स्ट्रेंजर आके। सलाउद्दीन अयूबी वॉज अ बिग फातह, बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ी उसने और गजा फतह किया था मुसलमानों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस टेरिटरी थी। मतलब मुसलमान बहुत ज्यादा हारते थे, और जिस तरह हमने जंगे बदर और जंगे औहद के वाक्य सुने ना कि 313 मोमिन लड़े उससे, तो सुल्तान जब अयूबी बैठा हुआ था जंग के लिए और बिल्कुल डरा हुआ था कि यार अपने लोगों को तो मोटिवेट कर दिया मैंने कि चलो अल्लाह के लिए लड़ो जाके, बट सामने इतनी खतरनाक फौज है, तो इतनी खतरनाक फौज से प्रैक्टिकली कैसे मुकाबला होगा? मतलब अपनी फौज को मोटिवेट कर दिया अल्लाह के लिए बट खुद डरा हुआ है। ऐसा लाइफ में होता है हमारे साथ कि हम, हमारे दिल में डर होता है बट हम वो डर बाहर शो नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते बाकी लोग भी डर जाएं। यस और नो? खासकर जो सीनियर्स हैं वो ये सिचुएशन समझते होंगे, तो वो कैप्टन ऑफ द शिप है, वो बोल रहे हैं हम जहाँ हमला करने जा रहे हैं वहां से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बट फिर भी हम हमला कर रहे हैं क्योंकि हम खुदा के लिए जहाद कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, मुसलमानों को आजाद कराने जा रहे हैं। तो वो ये कहता है कि जब जंग हो गई और जंग जीत गया, गजा जीता, इससे सुल्तान अयूबी जो है वो बहुत बड़ा फाता कहलाया, तो उसका बाद में किसी ने पूछा, सुल्तान जब तुम जंग करने जा रहे थे तो तुम किसी से डरते नहीं हो, तो कैसा फील? उसने बोला ये गलत बात है कि मैं नहीं डरता, मेरे से ज्यादा डरा हुआ आदमी कोई नहीं था, बट मैं अपना डर शो नहीं कर रहा था। तो कह रहा है तुम्हें ये बात, अच्छी बात है लिख लेना। वो कहता है कि तुम्हें लाइफ में डरने के बावजूद सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज ने तुम्हें सक्सेसफुल बना दिया, कि लाइफ में इतने डर के बावजूद तुमने इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कर दी? उसने एक लाइन में जवाब दिया, खुदा पे भरोसा। उसने बोला कि जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है ना तो मिरेकल्स हो जाते हैं लाइफ में। और ये लोग कहते हैं कि मैं बहादुर हूँ, वो कहता है मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, लेकिन खुदा पे भरोसा, ईमान मेरा बड़ा तेज है और मुझे नहीं पता कि मैं जंग कैसे जीता, बट मुझे ये पता है कि खुदा ने कुछ ना कुछ गेम किया है जिस वजह से मैं जीता। ठीक है, तो इसके साथ हम खत्म करते हैं। तो लास्ट सेरेमनी जो था ना इमाम का,
वो ये था फेथ इन गॉड, कि लाइफ में कोशिश पूरी करो लेकिन फेथ 400% रखो, क्योंकि तुम्हारा काम 20% होगा ना, लेकिन 80% फेथ होगा ना कि हाँ तू खुदा तू करा देगा, तू करा देगा, मेरा काम कम है तो तुम्हें सब मिल जाएगा। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, येस और नो? राइट। कभी कभार हम क्या करते हैं, काम करते हैं ना तो शक रखते, दैट गोज ऑन मी एवरी वन, कि यार ये होगा नहीं होगा, दुनिया में तो नहीं हो रहा, पहले भी फेल हो गए थे, मुश्किल लग रहा है, क्वालिटी नहीं होगी, आजकल बहुत रिसेशन चल रहा है, लोग बोलेंगे नहीं, लोग बड़े तेज हैं, लोग कैसे सुन। फेथ का इशू है हमारा, ठीक है। हम कभी कभार काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन नेगेटिव हो जाते हैं, यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आपको कोई बोले खुदा पे भरोसा तो बहुत है लेकिन होगा नहीं होगा, अरे तुम दो अलग अलग बातें कर रहे हो। अगर भरोसा है तो होगा नहीं होगा कैसे हो सकता है? वो सुल्तान अयूबी अगर जंग पे बोलता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो जीत के नहीं आता ना, उसके अंदर चल रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जीतूंगा नहीं, लेकिन वो दुनिया के लिए बोल रहा था नहीं जीतेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, तो अंदर डर रहा है, लेकिन खुदा पे बोल रहा है तू संभालेगा, तू संभालेगा, तू संभालेगा, यू टेक केयर ऑफ इट, राइट। और खुदा को जब इस पोजीशन में आदमी डाल देते हैं ना, तो खुदा बोलता है हाँ इसने हथियार डाल दिया, मेरे हथियार उठाने की बारी है। डू यू और अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? सो गुड लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।